अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज है आपी की अफ्तारी हमारी तरफ। रिसेंटली उनकी शादी हुई है मार्च में, तो रमज़ान पहला आया, फौरन शादी के बाद रमज़ान था, तो उनकी पहली अफ्तारी हमारी तरफ है हमारे जीजा जी के साथ। इंजॉय कीजिएगा व्लॉग को, अगर पसंद आए तो लाइक क्लास में कीजिएगा। और बस ठीक है, तो इसकी जल्दी सब हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, तो सैंडविचेस की वेजिटेबल्स कट गया, अब हम करेंगे इसे क्लीन और रख देंगे फ्रिज में। ठीक है, चलो ऐसे इसको क्लीन करो फटाफट। क्लीन है अच्छा जी, तो ये क्लिंग हो गया। अब जब तक इसका चिकन और अंडे तैयार नहीं हो जाते तब तक ये जगह फ्रिज में, तब तक अब हम करते हैं चिकन बॉयल और अंडे बॉयल। ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम बनाने लगे बर्गर की पैटी। ठीक है, डिटेल बर्गर मैंने नहीं लगाया कि उसकी सॉस कैसे बनाई थी और चीज़ें कौन कौन से ऐड की थी। फिलहाल से पैटी की वे तीसरी दफ़ा रिकॉर्डिंग है और कसम से समझ नहीं आ रहा, रोज़े में बोलना इतना मुश्किल है। यानी आप देखें कि हम लोग चिकन पैटी कैसे बनाए। अच्छा, जो चीज़ों में आपका नमक मिर्चा वो आपने अपने हिसाब से डालें, जैसे आपको पसंद है। ठीक है, बच्चे मेरे सब खा सकते। जाएंगे दो अंडे, यहाँ पे अब जाएगा चिकन है, दो ब्रेस्ट पीस, एक ब्रेस्ट पीस चिकन है, दो इसमें प्याज हैं, चार से पांच हरी मिर्च हैं, वो जितनी आपको पसंद है उतनी। इसके बाद दो अंडे हैं और काली मिर्च, नमक जाएगा और दादरी मिर्च जाएगी। ठीक है, मिर्च आपने अपने हिसाब से रखनी है। उसके बाद हम करेंगे इसको ग्राइंड और इसकी बना देंगे हम टिक्कियाँ। ये जाएंगी बर्गर में, बर्गर में जाएंगे ना। हाँ, जो मसाले हैं ना वो आपने अपने हिसाब से डालने हैं। यहाँ पे अनिवार्य डाल दिया, कोई गल नहीं। यार देखिए, मैं मेरी बहन अभी नई नई कुकिंग में, इसलिए हम इतना डाल रहे हैं अनिवार्य चीज़ें पाने हैं, तो उसी चमचियाँ का हिसाब रख लेना। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें नमक चला गया, काली मिर्च चली गई है, दादरी मिर्च चली गई है, और ये जा रहा है इसमें चिकन पाउडर। ठीक है, इसको अच्छी तरह हम लोग करेंगे ब्लेंड के ग्राइंड। ब्लेंड नहीं होता जी। जनाब, तो ये रेडी हो गया चिकन पैटी। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेड ग्राम लगाएंगे, अंडा लगाएंगे, अंडा भी लगाएंगे, सिर्फ ब्रेड ग्राम लगाएंगे, इसको फिर फ्री कर लेंगे और बर्गर में लगा देंगे। ठीक है, ये अच्छा जी, सफाइयाँ वगैरह सब हो गई हैं। ठीक है, सफाइयाँ वगैरह सब डन है। ये से मेरा सूट है जो मैंने पहना है नहा के, ये पिल्लू है, ये जाना है मस्जिद क्योंकि भाई काफ पर बैठा हुआ है, और बेडशीट वगैरह सब चेंज हो गई। ये बेडशीट इसलिए ऐसे क्योंकि मैंने बिछाई। ठीक है जी, और अच्छा जी, तो मैं सो भी थी। ठीक है, ऐसे नींद लगी ना सवाई के बाद, क्या क्लास की नींद लगी, मज़ा आ गया। अच्छा जी, चलें सैंडविचेस का मिक्सचर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लेंगे चिकन। ठीक है, आपने अपने मुताबिक लेना है, जितना आपको चाहिए, जितने आपने सैंडविचेस बनाने। ठीक है, मैं एक फुल ब्रेड की बनाऊंगी, तो ये मैंने हाफ ब्रेस्ट पीस ले लिया है, हाफ ब्रेस्ट पीस चिकन, और इसमें डाल दिए तीन अंडे। अब मैं इसको अच्छी तरह कर दूँ मैश। यहाँ पे अंडा और चिकन हो गया। चिकन को हमने अंडे को कर लिया हमने मैश। अब ये सारी वेजिटेबल्स हैं ये इसमें चाहिए। ठीक है, कोल सैंडविच टाइप बना रहे हैं। एक आधी इसमें बंद गोभी है, एक इसमें पूरा खीरा है, आधी शिमला मिर्च है, फोकस हो जाएगा। ठीक है, आधी शिमला मिर्च है और आधी ही गाजर है। ठीक है, ये सारी वेजिटेबल्स अब हम इसमें डालेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो वेजिटेबल्स मैंने इसमें सारी ऐड कर दी हैं। ठीक है, अब इसमें क्या जाएगा, मेयोनीज जाएगी, केचप जाएगी। केचप बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे ताकि वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो जाए, और मेयोनीज थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे जब तक ये एक दूसरे के साथ सब कुछ स्टिकी नहीं हो जाता।
थोड़ी सी डालेंगे सोया सॉस और चिली सॉस, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेजिटेबल हल्की हल्की खट्टी हो तो आप उसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। उसके से 2 टेबलस्पून हम डालेंगे काली मिर्च का और नमक जिस तरह आपको पसंद है उतना डाल दें। अगर थोड़ा सा स्पाइसी है उसको टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इसमें दादरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं सारी चीज़ें ऐड करके तो आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो सब कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया, काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस, केचप और मेयोनेज, ठीक है। और इसमें मैंने थोड़ा सा दूध ऐड। अच्छा जी, तो खजूरों को हमने कट कर लिया, बीच में से जो उसकी गुठली होती है वो हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम रखेंगे पहले एक एक बादाम और फिर उसके ऊपर ऐड कर देंगे क्रीम, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, आपने क्रीम ऐड करनी है क्रीम कर लो, मलाई ऐड करनी है तो मलाई कर लो, ठीक है। पहले मैं बादाम ऐड करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, और फिर जब क्रीम ऐड करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी, ठीक है जी। जनाब तो ये देखें, इसमें हमने बादाम ऐड कर लिए, ठीक है, सब में ऐड हो गए। अब इसमें करीम जाएगी, करीम ऐड करने के बाद मैं इसको ऊपर से थोड़ा क्लोज करूँगी, टाइट करूँगी, और फिर इसको मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगी जब तक अफ्तारी नहीं होती, ठीक है। मैं इसकी फाइनल लुक आपको करके दिखाती हूँ फिर जी। जनाब तो बर्तन हमारे लग गए, ठीक है, एक जैसी वाइट प्लेट्स होंगे तो टेबल आपकी बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। इसको लगाया कैसे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे नीचे भरी प्लेट है, जो सेट की हमारे सबसे भरी प्लेट होती है, ठीक हो गया। उसके ऊपर छोटी प्लेट है, उसके साथ राइट साइड पे एक भरी स्पून है और उसी के साथ एक छोटा स्पून है, ठीक हो गया। उसके बाद लेफ्ट साइड पे एक हमारे पास कांटा है, फॉक है, ग्लास है और इसमें टिश्यू है, ठीक है। अच्छा जी, ये टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू को हमने लेना है, ठीक है। और जो दरमियान वाली जगह होती है ना, इसको पकड़ के ज़ोर से इसको मूव करना है ऐसे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 दफ़ा करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद हमने इसकी ये वाली साइड जो है ना वो डाल देनी है ग्लास में, देंगे तो ये खुद ही फूला फूला लगेगा, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम बनाने लगे हैं स्पेगेटी। स्पेगेटीज़ की वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक प्रॉपर शेयर करूँगी, तो आप तब देख लीजिएगा। ये जी हमारी अफ्तार टेबल हो गई है डन, ठीक है, सब कुछ हमने लगा दिया है। अच्छा जी, तो ये है आपकी प्यारी बहन जिसने बताया से 5 मिनट पहले जाके सिर्फ कपड़े चेंज किए। आकाश भाई मैंने 5 लेनी है, मैंने नीचे आते हुए मुझसे सारा, मैंने 5 से नीचे आना ही नहीं, 5 2 5, मैंने 5 से नीचे आज दीदी नहीं लेनी। तुम पहले मुझे अपना टैक्स दिखाओ ना जो मैंने तुम्हें किया था। मैंने 5 5 5 5। अच्छा जी, तो ये अब अफ्तारी जा रही है भाई को, क्योंकि वो मस्जिद में इतकाफ पे हैं। आप में से भी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं लाजमी दुआ कीजिएगा, आखिरी 10 रोज़े बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। आज आयरा Thank you.
अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो गई है अच्छे से, अभी हमने खाना पैक किया, ये जाएगा आप ही के साथ क्योंकि लड़की अपने मायके आए और खाली हाथ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज का व्लॉग यहाँ ही एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।